Friends, if you look at the video of our phone in the big screen, then it look like every you are like by connecting your TV to the big screen app and the watching the video and movie of your choice. दोस्तों अगर हम अपने फ़ोन की वीडियोस बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो कितना अच्छा लगता है, वहाँ भी अपनी पसंद की चीज़ें आप अपने टीवी पे कनेक्ट करके देख सकते हैं बड़े स्क्रीन पर, ऐप से लेकर के अपने पसंद की वीडियोस मूवी तक सब कुछ देख सकते हैं और इसी पद्धति को स्क्रीन मिररिंग कहा जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड स्क्रीन मिररिंग और इसे कई तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड कनेक्ट इन मेनी वेज एंड दिस वीडियो आई एम टेलिंग you in this video about how you can connect your TV in very well. सबसे पहले मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाले मेथड बताऊंगा, यानी मैं आपको बिना पैसे बिना कॉस्ट वाले मेथड बताऊंगा जिसमें आपको बिना पैसे खर्च किए आप अपने टीवी पे कनेक्ट कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको पैसे वाले मेथड बताऊंगा जिसमें आप अपने टीवी पे कनेक्ट कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से अपने वीडियोस टीवी पे चला सकते हैं। फ्रेंड्स, वी कैन ऑल्सो कनेक्ट आवर टीवी विद द हेल्प ऑफ यूएसबी केबल, इट इज़ वेरी सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूएसबी की। फ्रेंड्स, हम अपने टीवी को यूएसबी केबल की मदद से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप है। हम अपने चार्जिंग के वायर यानी यूएसबी केबल से भी टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या होगा, हमें एक फ़ोन की ज़रूरत होगी, कोई भी फ़ोन चलेगा, पर आप चेक कर लेना अपने फ़ोन में यूएसबी सपोर्ट है या नहीं। और आपको एक एलईडी टीवी की ज़रूरत होगी। यू कैन कनेक्ट टीवी टू और चार्जिंग वायर यूएसबी केबल। सो व्हाट वी हैपन टू यू, वी विल नीड टू फोन एनी फोन वी रन, बट यू हैव अ चेक your phone has USB support or not and you will need a LED TV. सबसे पहले हम अपने चार्जिंग वाले वायर को यानी USB केबल को अपने चार्जिंग वाले पोर्ट में लगा देंगे और दूसरे वाले वायर को अपने LED TV के USB पोर्ट में लगाएंगे। USB केबल TV से कनेक्ट करने के बाद आपके फ़ोन में एक मैसेज आएगा USB कनेक्टेड, ऐसा USB कनेक्टेड उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे USB स्टोरेज पे क्लिक करना है और आपका फ़ोन TV से कनेक्ट हो जाएगा। First of all, we will put our charging wire USB cable in my charging port and the other of will put the wire in USB cable of your LED TV. After connecting to the USB cable TV, a message will come in your phone USB connected. Such USB connected will click on it. You have a click on the USB storage below and your phone will connected the TV. So, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई भी है, अगर आपको देखना हो तो यहाँ ऊपर एक पट्टी आ रही होगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में बहुत कमेंट आ रहे थे कि USB कनेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे लाइक सैमसंग वीवो ओप्पो या रेडमी हो, ऐसे कुछ कमेंट कर रहे थे कि फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो रहा, चार्जिंग हो रहा है। तो आप अपने फ़ोन को चेक करके देखिए आपका फ़ोन USB सपोर्ट है या नहीं, तभी ये काम करेगा। तो चलिए हम दूसरे की बात करते हैं, HDMI। फ्रेंड्स, अगर आपका फ़ोन USB से कनेक्ट नहीं हो रहा है TV पे तो आप HDMI AV ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, HDMI होता क्या है और इसे यूज़ कैसे करते हैं? तो HDMI आप अपने ओल्ड TV में भी या स्मार्ट TV में भी किसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फ़ोन की सारी मिररिंग TV पे देख सकते हैं या फ़ोन को कनेक्ट करके अपने TV पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दिखता कैसा है, देखिए ये ऐसा दिखता है। एक तरफ ऑडियो वीडियो केबल लगाने की पोर्ट होती है, जगह होती है, यहाँ आप ओल्ड TV में भी ऑप्शन होता है ऑडियो वीडियो केबल लगाने का, तो यहाँ से आप ऑडियो वीडियो केबल लगा सकते हैं। और पीछे की साइड में HDMI केबल दिया होता है, तो एक तरफ HDMI की जगह होती है, तो एक तरफ ऑडियो वीडियो केबल की जगह होती है, तो एक तरफ पावर देने के लिए एक जगह होती है। ऑडियो वीडियो केबल लगाने के बाद HDMI को लगाते हैं और HDMI की दूसरी तरफ की जो पिन होती है उसे हम फ़ोन में लगाते हैं और तीसरी तरफ की जो जगह होती है उसे पावर देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप अपने फ़ोन को TV में कनेक्ट करना चाहते हैं कुछ पैसे देकर, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। अगर आपको परचेस करना हो तो अमेज़न से ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यह कुछ 600 या 650 में आ जाएगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो चलिए हम तीसरे की बात करते हैं। जो तीसरा है वह MHL के नाम से जाना जाता है, यानी मोबाइल हाई डेफिनेशन लिंक। जो MHL होता है वह आपके फ़ोन की सारी चीज़ें आपकी TV पर शेयर करता है। यू कैन कनेक्ट यूर फोन टू द वायरलेस गेम कंट्रोल एंड कीवर्ड एंड यूज दन कंट्रोल एक्शन एंड बिग स्क्रीन। तो इससे आप अपने फ़ोन के वीडियोज़ या एप्स या कुछ भी आप अपने TV पे बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं। MHL कनेक्ट योर मोबाइल स्क्रीन टू TV स्क्रीन फॉर MHL केबल प्ले गेम वॉच वीडियो ऑन TV। तो आपको MHL केबल ये वाली लेनी है, MHL किड्स वाली लेनी है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं। ये वाली MHL किड्स सब स्मार्टफोन को सपोर्टेड है, तो यह किसी भी स्मार्टफोन में सपोर्ट करता है। आपके पास HDMI केबल होना ज़रूरी है और आपके TV में HDMI का ऑप्शन होना ज़रूरी है और USB का, तभी यह काम करेगा।
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये यूज़ कैसे करते हैं। तो इस बॉक्स में आपको एक HDMI का वायर मिलेगा, उसे आपको HDMI के पोर्ट में लगाना है आपकी टीवी के, और उसके दो वायर होंगे, एक होगा पावर देने के लिए, उसे आपके USB पोर्ट में लगाना है जो कि आपकी टीवी में है, अगर नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। और उसी में जो दूसरा वायर होगा वो आपके मोबाइल में लगेगा, जो आपके मोबाइल की चार्जिंग वाली पोर्ट है उसमें लगेगा। और अगर आपके पास टीवी में USB का ऑप्शन नहीं है पावर देने के लिए तो आप किसी दूसरे फ़ोन में लगा सकते हैं उसे पावर देने के लिए। अब हम सब कुछ कनेक्ट करने के बाद अब हम सेटिंग में HDMI सिलेक्ट करेंगे तो आपका फ़ोन टीवी से कनेक्ट हो जाएगा। और जो फोर्थ है वो है एनीकास्ट, यानी जो आपका फ़ोन है उसकी जो स्क्रीन है वो सीधा आपकी टीवी पे दिखाएगा। एनीकास्ट काम करता है आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट और वाईफाई के ऊपर। आपके फ़ोन में और आपकी टीवी में वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए तभी ये काम करता है। इसमें आपको माइक्रो USB पोर्ट दिया जाता है और एक माइक्रो USB केबल दिया जाता है। तो यह बहुत ही सिंपल है, आपका जो एनीकास्ट होता है वो आपके HDMI वाले पोर्ट में लगेगा जो कि आपकी टीवी में होता है। तो USB केबल दिया होता है वो आपके USB पोर्ट में लगेगा और दूसरा वाला एनीकास्ट में लगेगा। एनीकास्ट को आपके टीवी के HDMI वाले पोर्ट में कनेक्ट करने के बाद आप अपना टीवी का वाईफाई और फ़ोन का वाईफाई ऑन कर दीजिए, आपका फ़ोन टीवी से कनेक्ट हो जाएगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन आपकी टीवी पे दिखना चालू हो जाएगी। तो इस तरह से इसे कनेक्ट किया जाता है। अगर आपको एनीकास्ट परचेस करना हो, लेना हो, तो अमेजोन से ले सकते हैं। मैंने अमेजोन की लिंक नीचे दी हुई है, वहाँ से क्लिक करके आप ले सकते हैं। ये कुछ 900 से 1000 रुपये तक मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जिससे आप अपने फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।